इन दोनों के ऊपर रखना आपको, ठीक है? रखना कैसे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे कोई बेस लाइन बनानी है अपने को, तो ये देख सकते हो ऐसे। स्लो गाना जो होता है उसकी बेस लाइन। अब मैं थोड़ी स्पीड के अंदर आपको बजा के दिखाता हूँ, है वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए ना। कोई भी बेस लाइन चलाओ या फिर कोई भी बेस लाइन बनाओ, उससे पहले रिकॉर्ड वाला बटन जरूर ऑन कर देना है। तो एप्लीकेशन ओपन होने के बाद यहाँ पे जो ये बटन दिखाई दे रहा, आपको इस वाले बटन पे क्लिक करना है जहाँ पे ये लिखा हुआ है ड्रम मशीन। आपको इस पे क्लिक करना है और इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे न्यू वाला बटन दिखाई देगा, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हो बीच के अंदर आपको न्यू वाला बटन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है ऐसे। और क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली इफेक्ट है ये आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड होने के बाद ये यहाँ पे आ चुकी है, देख सकते हो, तो आपकी ये वाली इफेक्ट आ जाएगी। बाकी हर कोई दूसरी इफेक्ट आएगी तो वो आपकी बेस लाइन के अंदर जमेगा नहीं, जो भी लूप वगैरह या फिर जो भी आपके ड्रम वगैरह बजेंगे वो जमेंगे नहीं, ठीक है? उस गाने के ऊपर सेट नहीं होंगे सही से। तो आपको ये वाली डाउनलोड करनी है जिसके अंदर मैं आपको इफेक्ट बता देता हूँ इस तरीके से बजती है। तो अब मैं आपको पूरा पूरा मेथड बताता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये रिकॉर्ड वाला बटन है ना, इसको आपको करना है ऑन, ठीक है? ये रिकॉर्डिंग हमारी ऑन हो चुकी है, जो भी हम बजाएंगे अब रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है? और रिकॉर्डिंग भी बिल्कुल हाई क्वालिटी के अंदर होगी, मैं आपको पहले ही बता दूं। तो सबसे पहले अब मैं आपको पूरा पूरा बजा के दिखाता हूं कि किस तरीके से आपको बेस लाइन बनानी है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका गाने की जो स्पीड है ना, वो स्पीड ज़्यादा है या कम है। अगर उसकी BPM ज़्यादा है तो आपको इसको जल्दी जल्दी बजाना पड़ेगा, और उसकी अगर BPM कम है तो आपको धीरे धीरे बजाना पड़ेगा। तो मान लीजिए एक मीडियम साइज़ का गाने की जो BPM होती है वो बीच के अंदर होती है, मतलब 120 के आसपास। तो यहाँ पर मैं 120 के आसपास बजा के आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से बजती है। तो यहाँ पर जैसे कि आपकी ये एक फिंगर होगी, इस एक फिंगर को आपको क्या करना है, इस 5 नंबर के और 10 नंबर के, इन दोनों के ऊपर रखना आपको, ठीक है? रखना कैसे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर कोई बेस लाइन बनानी है अपने को, तो ये देख सकते हो ऐसे। ये एक नॉर्मल गाना जो कि स्लो मोशन के अंदर या फिर स्लो गाना जो होता है उसकी बेस लाइन। अब मैं थोड़ी स्पीड के अंदर आपको बजा के दिखाता हूँ। देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप इसके अंदर ये बेस लाइन बना सकते हो और इसको गाने के ऊपर सेट भी कर सकते हो। अब मैं आपको दूसरी इफेक्ट बताता हूं। तो ये वाली जो इफेक्ट है ये मेरे को काफी ज्यादा पसंद आई, और ये गाने के ऊपर भी सेट होगी तो भी काफी अच्छा लगेगा अपना गाना। तो अब मैं आपको क्या करता हूँ, इसको जैसे कि आपने जो भी बजाया है, ठीक है? तो अब ये आपका यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है, ये देख सकते हो, ये आपका यहाँ पे MP3 के अंदर रिकॉर्ड हुआ है, जो भी हाई क्वालिटी के अंदर। तो अभी आपने जो भी बजाया है वो यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे, ठीक है? तो हमने जो भी रिकॉर्ड किया है, जो भी बजाया है, वो हमारे यहाँ पे आ चुका है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको एक बटन दिखाई देगा, इस साइड वाले बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको म्यूजिक स्पीड चेंजर का जो एप्लीकेशन है वो आपको डाउनलोड करना है। अब इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हो, और इस एप्लीकेशन का नाम भी देख लो, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, रीडायरेक्ट होकर इसके अंदर इनपुट करना है ऐसे। तो आपकी जो भी आपने बजाया है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर प्ले करोगे तो ये देख सकते हो आपका यहाँ पर नीचे ये आ चुका है, ठीक है? ये देख सकते हो। हमारी जो बेस लाइन है वो पूरी पूरी ये आ चुकी है, देख सकते हो। ये वाला तरीका जो भी मोबाइल के अंदर डीजे मिक्सिंग करते हैं उनके लिए बेस्ट तरीका है। आप ऐसे आपके मन चाहे गाने के ऊपर बेस लाइन बना सकते हो। और इस बेस लाइन वाले ऐप के ऊपर अगर और भी वीडियो बनानी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं आपके लिए और भी नई नई अलग अलग गाने के ऊपर बेस लाइन बना के आपको दे दूंगा। तो आप आराम से यूज कर लेना, ठीक है? और अगर आप खुद बनाना चाहो तो भी आप ऐसे सीख सकते हो, जो कि मैंने जिस तरीके से बताया है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस वाली बेस लाइन को आपको फाइल मैनेजर के अंदर कैसे सेव करना, ताकि आप किसी भी
डीजे रिमिक्स एप्लीकेशन के जरिए किसी भी गाने में यूज कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको ये बताता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर थ्री डॉट पर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव एडिट ट्रैक इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर नाम चेंज करने का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर कोई भी नाम रख सकते हो आपकी बेस लाइन का। इसके बाद ओके कर देना है, तो इसके बाद ये जो है आपकी सेव हो जाएगी आपकी गैलरी के अंदर। आई होप गाइज आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। आपका कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइए। आगे भी अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो इस वाली वीडियो में बस इतना ही, और मिलते कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।